अस्सलाम वालेकुम जी, आज मैं आपके साथ शीर खुरमा की बड़ी ही अथेंटिक रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। उसके लिए जो चीज़ें चाहिए वो देख लेते हैं। ये मैंने लिया है फुल फैट मिल्क, मैंने लिया है 1 लीटर, 100 ग्राम्स मैंने ली हैं यहाँ पे ये सेवैयाँ। देसी घी मैं इस्तेमाल करूँगी, इससे बड़ा ज़बरदस्त टेस्ट आएगा इसका। बटर से भी अच्छा टेस्ट आता है लेकिन देसी घी से ज़्यादा इसका टेस्ट अच्छा होगा। आपकी मर्ज़ी है, बटर यूज़ करना चाहते हैं या असली घी में बनाना चाहते हैं, ये सब टू यू। मैं असली घी इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पे। मैं इसके अंदर मैं डालूँगी 4 से 5 अदद ग्रीन कार्डेमम, कोकोनट जाएगी, किशमिश जाएगी इसके अंदर, कुछ बादाम जाएंगे, ये है ड्राई डेट्स, ड्राई वाली जो होती हैं। अगर ये सख्त हो तो इसको आप थोड़े से गर्म पानी के अंदर इसको भिगो के रख दें, उसके बाद 10-15 मिनट के बाद इसको काट लें, ये सॉफ्ट हो जाएंगी। मैं इसके अंदर इस्तेमाल करूँगी कंडेंस मिल्क का, क्रीम मैं इस्तेमाल कर रही हूँ सिंगल क्रीम, और इसके अंदर जाएगी शुगर। शुगर और कंडेंस मिल्क मैं हाफ हाफ डालूँगी। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने एक ग्राउंड स्टिक पैन ले लिया, स्टोव कर लेते हैं ऑन। इसमें मैं ऐड करूँगी सा कलर दे देंगे, अच्छा सा कलर आ चुका हुआ है। अब इसको मैं निकाल लूंगी और एक साइड पर रख लेंगे। ड्राई फ्रूट्स आपकी मर्जी है, जितने भी आप डालना चाहते हैं हम ये ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपके पास कंडेंस मिल्क अवेलेबल नहीं है तो आप खाली चीनी के अंदर भी बना सकते हैं। फ्राई हो चुके हैं, अब मैं इनको भी निकाल लूंगी और अलग रख लूंगी। नट्स पर निकाल के साइड पर रखी हैं। अब मैं इसके अंदर शामिल करूंगी दूध। आप चाहें तो पाउडर भी डाल सकते हैं लेकिन मैं इसी तरह से डालूंगी।
चार या पांच ग्रीन कार्डमम जाएंगे इसके अंदर। चलिए कार्डमम फ्लेम जो है हम मीडियम पर ही रखेंगे, इसको मिक्स कर लेते हैं। इसको इतना पकाना है कि इसमें से तकरीबन एक कप दूध कम हो जाए, इतना गाढ़ा हो जाए। उसके बाद इसके अंदर बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। इलायची और चीनी के साथ हमने अभी इसको अच्छी तरह से पका लेना है। इसको गाढ़ा होने तक पकाते हैं। ये देखिए दूध जो है वो अच्छी तरह से बॉयल हो चुका हुआ है, गाढ़ा होने लगा है मिल्क अभी। इसको मैं अभी मज़ीद कुछ देर तक पकाऊंगी, इसको हमने और गाढ़ा करना है। दूध जो है वो अच्छा सा बॉयल हो चुका हुआ है। अब इसके अंदर मैं ऐड करूंगी हाफ नट्स जो हैं इसमें से मैं इसमें डाल दूंगी, बाकी मैं कुछ बचा लूंगी गार्निशिंग के लिए। और साथ ही मैं ऐड कर दूंगी कंडेंस मिल्क। चला गया, लेते हैं। अब हम इसके साथ इसको पकाएंगे। मैं इसके अंदर ज़ाफ़रान भी ऐड करूंगी। अगर आपके पास ज़ाफ़रान अवेलेबल नहीं है तो आप इसको ना डालें, और उसकी जगह पे आप सिर्फ केवरा वाटर भी डाल सकते हैं। कुछ लोगों को केवरा वाटर की खुशबू अच्छी नहीं लगती, तो आप दोनों चीज़ों को स्किप कर सकते हैं, लेकिन मैं ज़ाफ़रान भी डालूंगी इसके अंदर थोड़ा सा और केवरा वाटर भी। तो अभी इसको कुछ देर के लिए पकाते हैं कि ये मज़ीद और गाढ़ा हो जाए। ये देखें इतना गाढ़ा हो चुका है। मैंने इसको तकरीबन 20 मिनट और पकाया है, तो इसको मैंने इतना गाढ़ा कर लिया। कुछ लोगों को थोड़ा पतला पसंद होता है और कुछ को गाढ़ा। ये ना तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा अच्छा लगता है और ना ही बहुत पतला, दरमियाना जो है शेप करना मज़े का भी लगता है। तो अभी मैं इस स्टेज पे डाल दूँगी इसके अंदर क्रीम। क्रीम आपने तब डालनी है जब आपको लगे कि आपको जितना गाढ़ा शीर खोरमा रखना है, तब आपने इसके अंदर क्रीम ऐड कर देनी है। क्रीम डालने के साथ ही मैं इसके अंदर थोड़ा सा ज़ाफ़रान ऐड करूंगी। बिल्कुल 3-4 टुकड़े इसके, और कुछ मैं इसके ऊपर गार्निश के टाइम पर डालूंगी। इसको थोड़ा सा पका लेंगे, इससे इसका कलर भी अच्छा आ जाता है और जायके में भी फर्क पड़ता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप ना डालें। ये देखें कितना ज़बरदस्त ये गाढ़ा हो गया है। ये देखें कितना क्रीमी इसका टेक्सचर हो गया है। शीर खुरमा हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका हुआ है। इसको 2 मिनट बस मैं ज़ाफ़रान के साथ पका लूँगी और उसके बाद ये रेडी है। Thank you.
खीर खुरमा हमारा रेडी हो चुका हुआ है, हमने मज़े से इसको 2 मिनट पका लिए। अब इसको कर देते हैं कुछ देर के बाद इसका स्टोव बंद। स्टोव बंद करने से पहले मैं थोड़ा सा इसके अंदर केवड़ा वाटर ऐड करूँगी, जस्ट फ्यू ड्रॉप्स। अब मैं स्टोव कर दूँगी बंद, केवड़ा वाटर के साथ इसको मिक्स कर देते हैं। ये थिक सा हमारा शीर खुरमा तैयार हो गया। अब मैं इसको सर्विंग के लिए निकाल के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। शीर खुरमा को मैंने सर्विंग के लिए निकाल लिया है। बाकी के जो नट्स बचे थे जो हमने फ्राई किए थे, हाफ हमने शीर खुरमा को पकाते हुए डाल दिए थे और हाफ मैंने बचा लिए थे गार्निशिंग के लिए। जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा कि मैंने सारे इसके ऊपर गार्निश के लिए डाल दिए हैं और कुछ मैंने इसके ऊपर ज़ाफ़रान डाला है। तो आई होप कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। बहुत ही यमी क्रीमी शीर खुरमा तैयार होता है। इस रेसिपी को आप भी ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बनाइएगा और बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मेरी वेबसाइट को विज़िट कीजिएगा, मेरी वीडियोस को शेयर करना और लाइक करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। Thanks for watching. Don't forget to subscribe my channel and keep visiting on huge videos portal website www.videosizzler.com.